नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट सिवनी में, जहां पर हमारे सीएससी के साथ जो है मोटर्स, जो महिंद्रा मोटर्स है उसके साथ एक वर्कशॉप रखी गई है, जहां पर मुझे भी यहां पर इनवाइट किया गया है। और आप यहां पर देख सकते हैं किस कितने ज़बरदस्त यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ पर हम सीएससी की जो है बहुत सारी सर्विसेज के बारे में जो है जानेंगे। और इसी के साथ, जैसे आपको पता है कि कुछ दिनों से पहले मैं जो है कुछ बिज़नेस में जुड़ा हुआ हूँ डिजिटल रूप से, जहाँ पर सीएससी की जो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज होती है उसके माध्यम से यहाँ पर दी जाती है, और उन्हीं सर्विस के बारे में यहाँ पर जो है वर्कशॉप रखी गई है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, स्टेट मैनेजर और बहुत सारी बैंक के जो है यहाँ पर मैनेजर भी उपस्थित होने वाले हैं, और सबका यहाँ पर जो है हम जो है सुनने वाले हैं नॉलेज, और वो कैसे बैंक के द्वारा काम किया जाता है, कैसे हम सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर HDFC के मैनेजर भी आने वाले हैं और LIC के भी, और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है एक्सिस बैंक है, और जो टेक्नोलॉजी पर भी यहाँ पर बात करने वाले हैं, ट्रैक्टर की कुछ टेक्नोलॉजी। अगर हम ट्रैक्टर को सीएससी के माध्यम से अगर हम देते हैं तो हमें कुछ कमीशन भी यहाँ पर मिलता है, यही चीज़ें आज यहाँ पर बताई जाने वाली है। और जितने भी सर्विसेज हैं यहाँ पर सबके बैनर भी लगाया गया है, देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है कृषि ई के बारे में भी कुछ टेक्नोलॉजी, जो आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, और जो कुछ पार्ट्स है ट्रैक्टर्स के वो भी यहाँ पर रेंट पर दिए जाएंगे, उसके बारे में भी यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए अभी हम सुनते हैं, अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो एक छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो थी, हमने सोचा कि इसको वीडियो में कैद कर लिया जाए ताकि हम भविष्य में EKYC आप उसे भी कर सकते हैं। साथ ही अभी की डेट में मैं कुछ अपडेट जरूर देना चाहूंगा आपको कि सीएससी के, जैसे कि हमारे यहाँ 2,500 BAD होते हैं, 2100-2200 BAD होते हैं, तो 2100-2200 BAD को एक किसी एक सर्विस पे हम लोग, कई बार आपके साथ भी ये चीज होती होगी कि पर्टिकुलर सर एक सर्विस दे दिया, सर इसको दे दिया या उसको दे दिया, ये सीन जो बहुत सारे लोगों को शिकायतें थी। तो मैनेजमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि जो भी BAD 3 मंथ में, लास्ट 3 मंथ के उसके ट्रांजेक्शन, जैसे आप सभी देख रहे हैं, मैं भी जब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था तो आपको ट्रांजेक्शन वगैरह मैं ग्रुप के माध्यम से बताता था, जो भी रियली मिनिमम 50 ट्रांजेक्शन जिसके पर तीन मंथ के रिकॉर्ड में देखा जाएगा, उसके ही आधार पे उसे नई सर्विसेज दी जाएंगी। मतलब प्रायोरिटी ये है कि जिसको भी हमारे साथ गवर्नमेंट सर्विसेज में आगे काम कर, कमीशन जो है तुरंत आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे लाइव मिल रहा है, फिर भी आपके कुछ बिजली ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट बिल्कुल जीरो है, कुछ बढ़िया कर रहे हैं, शानदार कर रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छा। एरिया मेजरमेंट एक प्रॉब्लम किसानों को रहती है कि वो काम करते हैं लेकिन वो दूसरे किसान भाइयों का खेत का माप अगर उनको नहीं पता, या उनको शाम को अपना हिसाब मिलाना है तो वो दिन भर में किए गए काम की जानकारी देख सकते हैं कि मेरा ट्रैक्टर 8 एकड़ काम किया है, 10 एकड़ काम किया है। सर नेक्स्ट, ये रियल फ्यूल ट्रैकिंग, मतलब कि फ्यूल का मीटर जैसे आपको ट्रैक्टर पे दिखता है वैसे फोन पे दिखता है। थोड़ा सा आपको फ्री बता देता हूँ कि HDFC बैंक का रोल क्या है, हमने ये स्टार्ट क्या किया है, सीएससी का सीएससी सेंटर स्टार्ट किया है, काफी सारे लोग रियली भाई हमारे हैं जो अभी काम कर रहे हैं। LIC की तरफ से एक बीमा ग्राम योजना भी है, जिसमें यदि हम बीमा ग्राम में, ये बीमा ग्राम जैसे आप सभी समझ सक रहे हैं कि बीमा ग्राम मतलब एक ऐसा ग्राम जो पूरा बीमा युक्त हो, सर प्लीज आप उसमें उसके लिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताएं। बीमा ग्राम जो स्कीम है वो जिस भी गांव की आबादी 10,000 से कम